हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य से बार एसोसिएशन सोजत सिटी का शिष्टमंडल अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी एवं गजेंद्र मेहता के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य को बार एसोसिएशन सोजत का शिष्टमंडल अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी व बार अध्यक्ष गजेंद्र मेहता के नेतृत्व में मिलकर सोजत के उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय को नीमली नाड़ी स्थित नए कोर्ट भवन के पास आरक्षित जगह पर उपखंड कार्यालय तहसील कार्यालय के भवन बनाने व सोजत विधानसभा क्षेत्र के गाँवों का क्षेत्र अधिकार सोजत कोर्ट को दिलाने व राजस्व अपील न्यायालय पालिका कोर्ट कैंप व पॉक्सो कोर्ट का क्षेत्र अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सोजत में करने का ज्ञापन देकर बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों व आम जनता को न्याय प्राप्त करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिस पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय नीमली नाड़ी नए कोर्ट भवन के पास आरक्षित भूमि पर उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय के भवन बनाने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल में अधिवक्ता सरपंच बगड़ी भुंडाराम चौधरी, पुनीत दवे, जयंत अवर, अभिषेक व्यास, गोविंद दवे ने इस अवसर पर बार एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने आर्य को उनका हस्तचित्र फोटो व प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। वहीं माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।